तो एंड्रू ब्रूस, क्या आप भी पीपीएस पीपी एमुलेटर में गेम्स प्ले करते हो? और अगर गेम प्ले करते हो तो आपका गेम प्ले एकदम स्मूथ ना हो रहा हो और एग्जैक्ट एफपीएस आपके गेम में नहीं आ रहे हो, तो अगर आपने ये सेटिंग पीपीएस पीपी एमुलेटर में कर लेना तो चाहे आपकी रैम 1GB हो या 2GB रैम हो, इजिली गेम प्ले एकदम स्मूथ होने वाला है। और ये सेटिंग करने के बाद चाहे आप फिर गॉड ऑफ वॉर गेम पीपीएस पीपी में प्ले करो या फिर WWE 2K23 के बोर्ड पैच अप प्ले करो, आपका गेम प्ले एकदम स्मूथ एंड 60 FPS होने वाला है। तो वैसे एंड्रू ब्रूस, क्या करना है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर। तो सबसे पहले एंड्रॉइड ब्रोस, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है पीपीएसपीपी एमुलेटर। तो पीपीएसपीपी एमुलेटर को अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है और सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद आपको सिस्टम में आ जाना है, सिस्टम वाले ऑप्शन में, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा रिस्टोर पीपीएसपीपी सेटिंग टू डिफॉल्ट। इस पर क्लिक करना और सिर्फ गेम सेटिंग पर टिक कर इस पीपीएसपीपी एमुलेटर की जो सेटिंग है वो रिस्टोर डिफॉल्ट कर देना। फिर इसके बाद आपको ग्राफिक्स में आ जाना है और सबसे पहले जो बैकएंड आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देख लेना। अगर आपका मोबाइल फोन OpenGL और Vulkan दो मोड सपोर्टेड है तो आपको Vulkan कर लेना। यहाँ पर मेरा ओनली OpenGL ही सपोर्टेड है तो यहाँ पर मैं OpenGL एज इट इज रहने दूंगा, ठीक है। तो ये सब सेट करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आ जाना है, फिर आपको डिस्प्ले लेआउट एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर स्ट्रेच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ऑन कर देना है ताकि आपकी गेम प्ले की स्क्रीन पूरी स्क्रीन पर दिखे। इसके बाद आपको फ्रेम स्किपिंग वाले ऑप्शन पर आ जाना है। अगर आपकी रैम 1GB है या 2GB है तो इसको 2 पर रख लेना, अगर फिर भी थोड़ा बहुत ग्लिच दिखे तो इसको इंक्रीज कर लेना। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहां पर आपको स्किप बफर इफेक्ट दिखेगा। अगर आपको गेम और भी ज्यादा लैगिंग का इश्यूज दिखा रहा है या ब्लैक स्क्रीन को और प्रॉब्लम आ रही है, स्किप बफर इफेक्ट्स को ऑन कर लेना है। लेजी टेक्सचर स्पीड को भी आपको यहां पर ऑन रख देना है, ठीक है, ताकि आपका कोई भी टेक्सचर्स ग्लिच कर रहा हो या बग्स आ रहा हो तो ये उसको स्पीड अप देकर आपके गेम प्ले को स्मूथ बनाएगा। स्क्रॉल डाउन करना है, जिस पर मेरी पीपीएसपीपी सेटिंग्स पर टिक है वही आप भी कर लेना। वीडियो को पॉज कर आराम से चेकआउट कर लीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करना है, एनिस्ट्रोफिक फिल्टरिंग आपको 16x रखनी है, ठीक है। टेक्सचर्स फिल्टरिंग आपको ऑटो पर रखनी है, जितनी आपकी मोबाइल की रैम होगी या प्रोसेसर होगा उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पर लोअर रेजोल्यूशन फॉर इफेक्ट्स है ये एग्रेसिव रखना है ताकि आपके गेम में जितना FPS आ सके उतना ये कर सके। तो ये ग्राफिक्स की सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। फिर आपको आ जाना है फिर से सिस्टम वाले ऑप्शन पर। सिस्टम वाले ऑप्शन पर आकर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये फास्ट मेमोरी अनस्टेबल पर टिक करना है, इसको ऑन रखना है। ये आपको गेम को स्पीड और बूस्ट देने का वर्क करता है। तो सिंपल सी बस ये स्टेप करनी है और ये सेटिंग अगर आपने पीपीएसपीपी एमुलेटर में एज इट इज कर ली तो आपका गेम है 101% स्मूथ चलेगा, कोई लैग का इश्यूज नहीं दिखाएगा, चाहे आपकी रैम 1GB हो या 2GB हो, ओके। और फिर ये सेटिंग करने के बाद आप इजीली मनचाहा गेम पीपीएसपीपी एमुलेटर में प्ले कर सकते हो विदाउट लैग के। तो ओके एंड्रू ब्रोस, ये थी हमारी पीपीएसपीपी की बेस्ट एवर सेटिंग और पीपीएसपीपी एमुलेटर प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जाकर इसको फटाफट से इंस्टॉल कीजिएगा। और हाँ, ये सेटिंग करने के बाद आपका गेम कैसा चल रहा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर एंड्रू ब्रोस, मिलते हैं आपको ऐसी एक बेहतरीन वीडियो के साथ या फिर लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।